नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेवी एनसीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों इस ये जो वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये क्विक रिवीजन सेशन है हमारे एवीएम मॉड्यूल ए का मॉड्यूल। इसी तरह दोस्तों मैं हर एक चैप्टर का हर एक सब्जेक्ट के क्विक रिवीजन सेशन आपको प्रोवाइड करता हूं, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो चीज़ पढ़ा है उसको क्विकली रिवाइज कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम लोग यूनिट एक से लेकर यूनिट नौ तक क्विकली रिवाइज करेंगे, जो कि हमारे मॉड्यूल ए में कवर्ड है। चलिए पहला टॉपिक, पहला यूनिट है हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। दोस्तों मैं आपको क्विकली रिवाइज कराता जाऊँगा, मैं आपको एक एक पॉइंट का क्विक समरी बताऊंगा। डिटेल जानकारी के लिए मेरे पास ऑलरेडी वीडियोस हैं, जो कि आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड डाटा, डाटा क्या होता है? डाटा का मतलब इन्फॉर्मेशन होता है। दो तरह के डाटा होता है, क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल डाटा होता है, जिसको आप फर्दर कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दोस्तों चार अलग अलग फेजेस में होते हैं। पहले आप डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद डाटा को आप क्लासीफाई करते हैं या टेबुलेट करते हैं। तीसरा आप डाटा को एनालाइज करते हैं, और चौथा फिर आप डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। सो कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, दोस्तों ये चार स्टेजेस होते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स के। स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन बहुत जगह है, बिजनेस में, मेडिकल में, एक्सपोर्ट में, वेदर फोरकास्ट में, स्टॉक मार्केट, क्वालिटी टेस्टिंग, गवर्नमेंट डिसीजन एंड पॉलिसीज। बिजनेस में कहाँ कहाँ है दोस्तों? तो बेसियन डिसीजन थ्योरी को बिजनेसमैन यूज करते हैं, ऑप्टिमल डिसीजन ले पाते हैं। उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक्स को स्टैटिस्टिक्स में यूज किया जाता है, ताकि डिमांड, कॉस्ट, प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी सभी को एनालाइज किया जा सके। उसके बाद दोस्तों आप प्रोडक्शन, सेल, प्रॉफिट, परचेज, फाइनेंस सभी पर डिसीजन ले पाते हैं। उसके बाद यदि मेडिकल में बात करें तो क्लिनिकल रिसर्च होता है, ठीक है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वेदर फोरकास्ट में जैसे रेग्रेशन टेक्निक, टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज किया जाता है। स्टॉक मार्केट में दोस्तों कोरिलेशन एंड रेग्रेशन टेक्निक को यूज किया जाता है। बैंक्स में दोस्तों पॉलिसीज क्रिएट करती है, वैल्यूज, स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, क्रेडिट रेशियो, नंबर ऑफ कस्टमर्स और बहुत सारे रेशियोज होते हैं जो कि हमारे स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। तो दोस्तों स्टैटिस्टिक्स आपको फैक्ट प्रेजेंट करता है डेफिनेट फॉर्म में। स्टैटिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई करता है। स्टैटिस्टिक्स एक टेक्निक प्रोवाइड करता है कंपैरिजन का, पॉलिसीज फॉर्मुलेशन में, फॉरकास्टिंग आउटकम में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को अपने प्लान्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स आपके साथ जो मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, यदि इस तरह के पीडीएफ को डिटेल डिस्कशन चाहिए, आपको एक एक चीज़ को बारीकी से समझना है, और आपको उसी तरह के पीडीएफ एमसीक्यूज चाहिए, प्रत्येक यूनिट का 50 एमसीक्यूज चाहिए, तो आप हमारे पीडीएफ प्लान का हिस्सा बन सकते हैं, आप हमारे कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। यू कैन टेक पार्ट ऑफ आवर पेड प्लान। वी आर कवरिंग 5 सब्जेक्ट्स, 4 कंपलसरी सब्जेक्ट अलॉन्ग विद एक्टिव पेपर एचआरएम। यू विल गेट यूनिट वाइज थ्योरी पीडीएफ एंड एमसीक्यूज, यूनिट वाइज एमसीक्यूज पीडीएफ, MCQs, PDF and videos, okay. And we have two plans available. We have a Telegram channel for quiz discussion. We have two plans available. Videos plus PDF cost $7.99 and PDF cost ₹299. To purchase, please WhatsApp me on the number shown. अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग लिमिटेशन, कहाँ कहाँ स्टैटिस्टिक्स की डिमेरिट है। स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल से डील नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स जो है क्वालिटेटिव डाटा को स्टडी नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट देता है केवल एवरेज पे बेसिस पे, रिजल्ट कभी कभी बायस हो सकते हैं। अब जरा कुछ डेफिनेशन को देखते हैं। पहला डेफिनेशन है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारा जो इंटायर कलेक्शन, हमारे ऑब्जर्वेशन का जो कलेक्शन है, जहाँ से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग पॉपुलेशन। दूसरी इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि आप एडल्ट मैन के वेट को स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन हो जाएगा सेट ऑफ वेट ऑफ ऑल मैन इन इंडिया। सैंपल क्या होता है? सैंपल एक पार्ट होता है पॉपुलेशन का, जो कि एक्चुअल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो केवल आप सैंपल को पढ़ कर ही आप एक वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं होल ग्रुप के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आपको इन्फेंट हेल्थ का पॉपुलेशन को स्टडी करना है, तो आप केवल एक पार्टिकुलर ईयर में, तो आप सैंपल क्या हो सकता है, ऑन अ पार्टिकुलर डे जितने बेबीज बॉर्न हुए हैं, तो एक सैंपल के बेसिस पे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं किसी सर्टेन पॉपुलेशन का। डाटा दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वेरिएट, एक होते हैं एट्रीब्यूट। जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में वैरी करता है और उसको न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस कर सकें, उसे हम लोग वेरिएट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर किसी कम्युनिटी का प्राइस, वर्कर का वेजेस, हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट। दोस्तों दूसरा चीज़ है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में वैरी करता है, लेकिन आप उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे बॉल का कलर, रिलीजन ऑफ वुमेन। दोस्तों ये वेरिएट जो है, जो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू लेता है उसे डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं, और जो वेरिएबल कोई वैल्यू लेता है उसे कंटीन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। पैरामीटर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है फंक्शन का, किसी ऑब्जर्वेशन का, जिस भी पॉपुलेशन को हम पढ़ रहे हैं उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा पैरामीटर होता है। पैरामीटर दोस्तों एक अननोन वैल्यू होता है जो कि फिक्स होता है, जैसे पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन का मीडियन, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं हम लोग पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए। स्टैटिस्टिक्स एक क्वांटिटी है या फंक्शन है हमारे डाटा के, सैंपल के, ऑब्जर्वेशन का। डाटा को कलेक्ट करने का डाटा दो तरह के होते हैं, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जिसको आप डायरेक्टली या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेटर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, या रिसर्चर के द्वारा
कलेक्ट किया जाता है। प्राइमरी डाटा जो है दो कुछ मेथड्स होते हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए, डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड यानी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट में होता है इन्फॉर्मेंट और रिस्पॉन्डेंट के बीच में। दूसरा तरीका है क्वेश्चन ईयर। क्वेश्चन ईयर दोस्तों सर्वे इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें शॉर्ट क्लोज इंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन ईयर से दोस्तों हम लास्ट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है हमारे पास सेंसस एंड सैम्पल सर्वे। सेंसस में क्या होता है दोस्तों, सारे इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में डाटा को कलेक्ट किया जाता है। और दोस्तों सर्वे में क्या होता है कि डाटा एक सब पार्ट के लिए कलेक्ट किया जाता है और उसे उस पार्ट को हम लोग सैंपल कहते हैं। दोस्तों हम लोग अभी फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। हमारा मेन पर्पस है चीज़ों को ध्यान में रखना कि हाँ ये सभी चीज़ें हैं क्विक रिवीजन के लिए। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे वीडियोस का हेल्प ले सकते हैं। मैंने एक एक चीज़ को बारीकी से समझाया है, समय लेकर समझाया है, एग्जाम्पल के साथ समझाया है। दोस्तों सेकेंडरी डाटा की बात करें, सेकेंडरी डाटा वैसी डाटा होती है जिसको कलेक्ट किया गया है और प्रोसेस किया गया है कुछ एजेंसीज के द्वारा, और सेकेंड टाइम यदि आप डाटा को कलेक्ट करते हैं तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाती है। सेकेंडरी डाटा जो है कलेक्ट की जाती है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड से, ठीक है, और उसको पब्लिश किया जाता है पब्लिश और अनपब्लिश सोर्स। नाउ प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में क्या डिफरेंस है, जो डाटा आपने पहली बार कलेक्ट किया उसे प्राइमरी कहते हैं और जो डाटा कुछ पब्लिश या अनपब्लिश सोर्स से कलेक्ट करते हैं उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी डाटा जो है एक पर्सन के हैंड में दूसरे के लिए सेकेंडरी भी हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होता है, प्राइमरी डाटा ओरिजिनल है तो ज़्यादा एक्यूरेट है। और दोस्तों प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। क्या अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन की। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन का मतलब कि आप डाटा को एक होमोजेनस ग्रुप में या क्लासेस में क्या कर रहे हैं उसे अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे एक पार्टिकुलर क्लास में अरेंज कर रहे हैं, इसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन। जैसे मान लीजिए कि आप पोस्ट ऑफिस में लेटर को सॉर्ट करते हैं तो वो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद दोस्तों जब आप क्लासिफाइड डाटा को प्रेजेंट करते हैं एक ऑर्गेनाइज तरीके से तो ताकि वो आसानी से कंपेयर कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें, उसे कहते हैं हम लोग टेबुलेशन। दोस्तों चार इंपॉर्टेंट बेसिस है क्लासिफिकेशन का, क्वालिटेटिव बेस है, दूसरा हमारा क्वांटिटेटिव बेस है, तीसरा ज्योग्राफिकल बेस है, चौथा क्रोनोलॉजिकल बेस है। डिटेल जानकारी आप हमारे वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों क्लासिफिकेशन की टाइप की बात करें, यदि ऑब्जर्व डाटा को आप क्लासिफाई कर रहे हैं सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए उसे वन वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन को आप क्लासिफाई कर रहे हैं रिलीजन हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, यदि दोस्तों केवल दो कैरेक्टरिस्टिक्स को ले रहे हैं डाटा को ऑब्जर्व डाटा को क्लासिफाई करने के लिए तो वो टू वे क्लासिफिकेशन होता है। और यदि आप दो से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं ताकि आप ऑब्जर्व डाटा को क्लासिफाई कर सकें तो उसे हम लोग मल्टी वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन वन वे हो सकता है, टू वे हो सकता है, मल्टी वे हो सकता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यदि किसी वेरिएबल का वैल्यू चाहे वो डिस्क्रीट वेरिएबल या कंटिन्यूअस वेरिएबल हो एक दो से ज्यादा बार हो या दो से ज्यादा बार हो दोस्तों तो कहा जाता है कि उसे फ्रीक्वेंसी की जितना बार होता है उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और जिस डाटा जिस तरीके से एक तरीके से जिस प्रकार से हम लोग टेबल के फॉर्म में उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का लेफ्ट कॉलम होता है उसमें इंटरवल होता है और राइट कॉलम में दोस्तों फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है। उस इंटरवल को इंटरवल दोस्तों इक्वल साइज का होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्लास लिमिट की। क्लास जो होता है दोस्तों वो दो वैल्यू से फॉर्म होता है, एक होता है क्लास लिमिट, एक होता है क्लास इंटरवल। जो हमारा लोअर वैल्यू होता है उसे लोअर क्लास लिमिट कहते हैं या लोअर क्लास इंटरवल कहते हैं, अपर वैल्यू को अपर क्लास लिमिट कहते हैं, क्लास इंटरवल का। दोस्तों मैंने इस सबको एग्जांपल से समझाया है अपने वीडियोस लेक्चर में। क्लास लेंथ क्या होता है, क्लास लेंथ दोस्तों क्लास विड्थ इज इक्वल टू अपर क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास इंटरवल। जो दोस्तों जो लोग मेरे वीडियोस को देखे हैं उनको मैंने एक ट्रिक से समझाया था कैसे आप इसे याद कर सकते हैं क्लास लेंथ को। बात करें दोस्तों मिड वैल्यू की, मिड वैल्यू क्या होता है, मिड वैल्यू यानी अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन टू, या इसे क्लास मार्क भी कहा है। दोस्तों याद रखिएगा क्लास मार्क और मिड वैल्यू एक ही चीज़ होता है। क्लास इंटरवल के दो तरह के होते हैं, एक्सक्लूसिव टाइप इंक्लूसिव टाइप। सो व्हाट इज देखिए 0 से 10, 10 से 20, 500 से 1000, ये सभी एक्सक्लूसिव टाइप है, अपर लिमिट जो है एक्सक्लूडेड किया गया है। और जैसे कुछ क्लास इंटरवल जैसे 60 टू 69, 70 टू 79, 80 टू 89, जहाँ पे लोअर और अपर क्लास लिमिट इंक्लूड किया गया है उसे इंक्लूसिव टाइप कहते हैं। एग्जांपल आपके सामने है। क्लास बाउंड्री की बात करें, इंक्लूसिव क्लास को हम लोग एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो नया क्लास इंटरवल बनता है उसे क्लास बाउंड्री कहते हैं। दोस्तों हमारे पास इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है उसको हमने एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट कर दिया और जो नया क्लास इंटरवल बना उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लास बाउंड्री। इसका फॉर्मला होता है न्यू यूसीएल इक्वल टू ओल्ड यूसीएल प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन टू। मैंने डिटेल में समझाया था दोस्तों कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अपने क्लासेस में, अब हमारे जो वीडियोस क्लासेस है उसमें मैंने समझाया है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों बात करें ओपन क्लास इंटरवल की। ओपन क्लास इंटरवल में दोस्तों दोनों लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है दोनों मिसिंग होता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर बिलो 10, 10 टू 20। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या होता है दोस्तों, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इन 200। मैंने ट्रिक बताया था कैसे इसको याद किया जाए, हाउ टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। मैंने आप लोगों को जो पेड मेंबर है उनको मैंने एक टेबल भी प्रोवाइड किया है सारे के सारे फॉर्मूला का, सारा फॉर्मूला आपको एक पेज में मिल जाएगा ए4 साइज पेपर में,
ताकि आप लास्ट में रिकॉल कर पाएँ। और आप जरूर कीजिए इस चीज़ को, जितना भी फॉर्मूला आ रहा है इसको नोट करते चलिए। बात करें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किसी क्लास इंटरवल का क्या होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ क्लास। विड्थ ऑफ क्लास मैंने पहले भी बताया, क्लास फ्रीक्वेंसी को विड्थ ऑफ क्लास से डिवाइड कीजिए तो मिलेगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग वैल्यू लेते हैं, मैंने एग्जांपल करके आपको समझाया था। दूसरा होता है कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे वेरिएबल जो है एक्सप्रेस्ड किए जाते हैं क्लास इंटरवल विद इन सर्टेन लिमिट्स, लिमिट्स के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। दिस इज ऑल्सो विद व्हाट आई हैव टॉक्ड यूजिंग एग्जांपल्स। दोस्तों ये सब एक प्रॉब्लम को हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, आपके मैक्विलन बुक से लिया गया प्रॉब्लम है, हमने डिटेल में डिस्कशन किया है कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। मैंने एमसीक्यूज का भी लेसन आप लोगों को प्रोवाइड किया है, पेड मेंबर को लगभग 50 से 100 एमसीक्यूज हैं। सो ये था हमारा पहला चैप्टर, मैंने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं सभी को डिस्कशन किया अपने पेड मेंबर में। अब दोस्तों हम लोग अपने यूनिट 2 को रिवाइज करते थे कि सैम्पलिंग मेथड पे, सैम्पलिंग मेथड में पॉपुलेशन और सैंपल, पॉपुलेशन होल ग्रुप को कहते हैं, सैंपल पार्ट ऑफ ग्रुप को कहते हैं। पॉपुलेशन वो ग्रुप होता है इसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं, सैंपल वो चीज़ होता है इसके बारे में हम लोग पता है। पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को पैरामीटर करते हैं, सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। पॉपुलेशन में पैरामीटर अननोन होता है, सैंपल में स्टैटिस्टिक्स हमेशा नोन होता है। पॉपुलेशन में पैरामीटर फिक्स होता है, सैंपल के स्टैटिस्टिक्स सैंपल के साथ चेंज होता है। जैसे मैंने टीम में समझाया था दोस्तों क्या क्या होता है सैंपलिंग, सैंपल का डिजाइन, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के चार पार्ट होते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, क्लास क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लांट्स के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड टू गेट सच टाइप ऑफ नोट्स, कॉन्साइज नोट्स, MCQs practices and as well as quizzes in the form of telegram quizzes for practice, you can enroll in our paid program. We have launched paid program for all the 5 subjects. We are providing paid PDF as well as videos which consist of theory as well as MCQs of each and every unit. It costs rupees 799 for one subject and rupees 2800 for all the 5 subjects. It includes videos and PDF. And if you want only PDF, it costs rupees 299. And if you want PDF for all the 5 subjects, it costs 1200. For more detail, you can WhatsApp me on the number shown. दोस्तों बाय सैंपल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सैंपल जिसमें जो है एक पार्ट पॉपुलेशन के एक पार्ट को फेवर किया गया उसे बाय सैंपल कहते हैं। सिंपल रैंडम सैंपल क्या होता है, एक ऐसा सैंपल होता है जिसमें ये बेसिकली एन पॉपुलेशन का कलेक्शन है जिसमें प्रत्येक सैंपल के होने का इक्वल लाइकली है। मतलब जैसे मान लीजिए कि लॉटरी के हिसाब से, मान लीजिए कि 10,000 लॉटरी का टिकट है और उसमें से 5 को आपने ड्रॉ किया, वो विनिंग टिकट है, तो जो 5 टिकट का कलेक्शन है ना वही कहलाता है हमारा सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग रिप्लेसमेंट के साथ होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट भी होता है। मतलब आपने एक 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 सैंपल को निकाल लिया और फिर से उसको डाल दिया तो रिप्लेस कर लिया। और दूसरा होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, आपने एक को निकाला लेकिन उसको रिप्लेस नहीं किया तो वो होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। दोनों के अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, इसे सवाल पूछा जाता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी टॉपिक में। अब दोस्तों उसके बाद है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या होता है कि सेलेक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू ए सेट स्केड्यूल ऑफ प्लान, यानी हमारा एक सेट स्केड्यूल होता है, हमारा सेट प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं किसी पॉपुलेशन से, उसे कहते हैं हम लोग सिस्टमैटिक सैंपलिंग। जैसे यहाँ देख सकते हैं प्रत्येक थर्ड आइटम को कंसिडर किया गया है, तो यहाँ पर एक प्लान है उसके अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं, उसे कहते हैं दोस्तों हम लोग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, तो आपको मैंने दो चीज़ बताया, सिस्टम से पहला बताया आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो बताया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, तो आप तीसरा है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है दोस्तों कि क्लब आइटम ऑफ होल पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट ग्रुप कॉल स्टाटा, यानी आप जो है पॉपुलेशन के अलग अलग स्टाटा में डिवाइड करते हैं उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे और प्रत्येक स्टाटा से सैंपल लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी या डिस्ट्रीज प्रोपोर्शनलिटी। चौथा होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो इंटायर पॉपुलेशन होता है उसको डिवाइड करते हैं क्लस्टर में और सैंपल को रैंडमली चूज करते हैं। दोस्तों मैंने आपको क्लस्टर और स्टर्टिफाइड और क्लस्टर में डिफरेंस बताया था। स्टर्टिफाइड में पॉपुलेशन को फ्यू सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, क्लस्टर में पॉपुलेशन को बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से आपको वेजिटेबल के एग्जाम्पल समझाया था, स्टार्टर क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, मैंने अपने वीडियो लेक्चर में समझाया इस चीज़ को डिटेल में, ये स्टार्टर क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, ताकि दोस्तों सवाल पूछा जाता है कभी आपसे एक क्वेश्चन लिख देगा विच आर द फॉलोइंग इज कंसीडर स्टर्टिफाइड सैम्पलिंग, आपको पता होना चाहिए, फॉर दैट यू कैन रेफर आवर वीडियो लेक्चर। ओके, अभी मैं क्विकली आपको बता दूं, स्टर्टिफाइड में पॉपुलेशन को आप फ्यू सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, क्लस्टर में पॉपुलेशन को आप बहुत सारे सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। स्टर्टिफाइड में होमोजेनिटी होता है सब ग्रुप में और क्लस्टर में हेट्रोजेनिटी होता है। स्टर्टिफाइड में जो एलिमेंट्स का चॉइस होता है दोस्तों वो सब विद इन इस सब ग्रुप होता है। बात करें दोस्तों सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, तो
इसमें आपको जो बात ध्यान रखना, जो एक्सप्लेनेशन है, हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब आपका नॉर्मल से कितना दूर है, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला आसान है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। वेरियंस क्या होता है? एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम मीन। मैंने ड्रिल में समझाया था कि वेरियंस कैसे निकाला जाता है, यानी आपका जो मीन से स्क्वायर डिफरेंस है उसका एवरेज निकाल लीजिए तो वेरियंस मिलेगा, और वेरियंस का अंडर रूट कर लीजिए तो आपको सिग्मा मिलेगा। सिग्मा होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए, मैंने तरीका बताया, पहले मीन निकालिए, प्रत्येक नंबर को मीन से सबट्रैक्ट कीजिए, फिर स्क्वायर कीजिए रिजल्ट को, फिर एवरेज निकालिए। एक चीज मैंने समझाया है दोस्तों, आप देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब आपके पास एन वैल्यूज है तो पॉपुलेशन को एन से डिवाइड करेंगे जब वेरियंस निकालेंगे, और सैंपल को एन माइनस वन से डिवाइड करेंगे जब वेरियंस निकालेंगे। मैंने एग्जांपल करके दिखाया था आप लोगों को। स्टैंडर्ड एरर की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन एक चीज नहीं है। स्टैंडर्ड एरर आपको बताता है कि आपका जो सैंपल मीन है वो कितना नजदीक है आपके पॉपुलेशन मीन से। जितना बड़ा सैंपल होगा उतना ही स्मॉलर आपका स्टैंडर्ड एरर होगा। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक से क्वेश्चन बनता है, एक एक से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। जितना बड़ा सैंपल होगा उतना ही आपका स्टैंडर्ड एरर स्मॉलर होगा। फॉर्मुला मैंने आपको बताया था, सिग्मा अपॉन रूट एन। एक मैंने आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया है पेड मेंबर को, इसमें सारा का सारा फॉर्मुला कंपाइल्ड है। सिग्मा अपॉन रूट एन, ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मुला है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, पॉपुलेशन के बारे में मैंने बताया, ये हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, और मैंने एग्जाम्पल समझाया था सभी चीज़ों को। अभी मैं आपको क्विकली डिवाइस करवा रहा हूँ। अब देखिए कैसे सैंपल निकालते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से, आपके बुक से कटिंग लिया गया है, मैंने समझाया एक एक चीज़ को कैसे। देखिए मैं की कंक्लूजन बताता हूँ कि मीन ऑफ द सैंपल मीन इज द सेम एज पॉपुलेशन मीन व्हेन एवर वी यूज सिंपल एरर। जब भी हम लोग रैंडम सैंपलिंग यूज करते हैं तो आपके सैंपल मीन का जो मीन होता है वही पॉपुलेशन का मीन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको हम लोग यूज करेंगे। यानी दोस्तों, आपका जो सैंपल का मीन है उसका मीन पॉपुलेशन के मीन के बराबर होता है। सैंपल मीन का स्मॉल स्प्रेड हो सकता है पॉपुलेशन का। तो यदि आपका पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सैंपल भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेड स्कोर की वैल्यू बताया। जेड स्कोर एक नॉर्मलाइज स्कोर होता है, ठीक है। आप जेड स्कोर, रॉ स्कोर कैसे जेड स्कोर में बदलते, फॉर्मुला होता है एक्स माइनस एम अपॉन एस। जेड क्या है? जेड स्कोर है। एक्स क्या है? डाटा मेजरमेंट है। एम क्या है? मीन है। एस है स्टैंडर्ड एरर। कैसे जेड वैल्यू देखते हैं, मैंने आपको जेड टेबल के माध्यम समझाया था हाउ टू लुक फॉर जेड वैल्यू। ये सभी के सभी चीज़ आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएंगे। बुक में इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट इज़ व्हाट वी आर प्रोवाइडेड इन आवर पीडीएफ। कैसे आप जेड वैल्यू को देखते हैं ये मैंने आपको बताया है दोस्तों। चलिए, उसके बाद ये सब डिटेल एक्सप्लेनेशन है, मैंने एग्जांपल अपने पीडीएफ में करके रखा है। अब दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये का। ये कहता है, इसका स्टेटमेंट ये है कि लार्ज सैंपल साइज के लिए जो मीन का जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चाहे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो या ना हो। यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो मीन का सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन कंडीशन क्या है? सैंपल साइज लार्ज होना चाहिए। अब लार्ज कितना? एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30। दैट मींस आपका नंबर ऑफ सैंपल जो है 30 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जितना ज्यादा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्लोज होगा उतना ही कम सैंपल चाहिए आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। अब दोस्तों, ये चीज मैंने एग्जांपल समझाया था इसको। हाँ, उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जेड इज इक्वल टू माइनस वन से प्लस वन के बीच का एरिया 68% होता है, माइनस टू से प्लस टू के बीच का एरिया 95% होता है, माइनस टू से प्लस थ्री का एरिया आपका 99.7% होता है। मैंने आपको एग्जांपल भी करके दिखाए थे कैसे आप एग्जांपल कैसे यूज करते हैं अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का, कैसे आप निकालते हैं कि मैंने अच्छे से समझाया था अपने लेक्चर में, डिटेल जानकारी। फिर उसके बाद दोस्तों, लास्ट पॉइंट है फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। तो दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मुला होता है सिग्मा अपॉन रूट एन इंटू अंडर रूट कैपिटल एन माइनस एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन माइनस वन। दोस्तों, ये स्टैंडर्ड एरर होता है फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए। मैंने जो आपको स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मुला बताया था वो था सिग्मा अपॉन रूट एन। ये फॉर्मुला एप्लीकेबल था जो आपका पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा हो। यदि पॉपुलेशन साइज छोटा हो तो आप इस फॉर्मुले को यूज करेंगे। तो यहाँ पे एन क्या है? स्मॉल एन बाय कैपिटल एन है दोस्तों आपका सैम्पलिंग फ्रैक्शन। कैपिटल एन आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्मॉल एन आपका सैंपल साइज। कैपिटल एन साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्मॉल एन सैंपल साइज, और अंडर रूट एन माइनस एन अपॉन एन माइनस वन। ये फॉर्मुला याद रखिएगा। जब भी आपका सैम्पलिंग फ्रैक्शन यानी कैपिटल स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन का वैल्यू 0.05 से कम होगा तो फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर को यूज नहीं करना। एक एक चीज मैंने समझाया है। चलिए, आप लोग यूनिट 3 को रिवाइज। दोस्तों, यूनिट 3 बेस्ड है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। दोस्तों, मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। मैं नॉर्मल पेज से पढ़ाऊंगा तो फिर रिवीजन का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो आप देख लीजिए, खुद से ट्राई कर लीजिए। मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है इन सभी चीज़ों को हमारे वीडियो से या किसी माध्यम से आप रिवीजन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम मूविंग फास्ट। चलिए, इसमें स्टार्ट करते हैं दोस्तों, की पॉइंट को समझते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि डाटा को सिंगल वैल्यू में कंडेंस करना और कंपैरिजन करना डाटा के बीच में। सेंट्रल टेंडेंसी का फीचर क्या है? इजीली डिफाइन होना चाहिए, इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए, और सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए। फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल होना चाहिए, और इसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, तीन तरह के एवरेज होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। मीन दोस्तों मोस्ट कॉमनली यूज होता है। अर्थमेटिक मीन सबसे, इसमें इसका मतलब ये होता है कि आप सभी ग्रुप ऑफ नंबर का सम निकाल लीजिए और उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर लीजिए। अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा का फॉर्मुला होता है समेशन एक्स आई अपॉन i = 1 = i = n अपॉन n, ठीक है। तो ये होता है हमारा अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा या रॉ डाटा इंटरवल का। जो हमारे ग्रुप कंटिन्यूस डाटा है उसके क्लास इंटरवल का क्लास मार्क है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है। मैंने इसको फॉर्मुला से एग्जांपल के द्वारा समझाया भी है।
बुक में जितने एग्जांपल दिए हुए हैं एवरीथिंग वी हैव डिस्कस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। मान लीजिए कि x1 बार जो है अर्थमेटिक मीन है n1 सैंपल साइज का, x2 बार अर्थमेटिक मीन है n2 सैंपल साइज का। तो दोस्तों कंबाइंड अर्थमेटिक मीन x बार होता है, फॉर्मूला होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। उसके बाद दोस्तों इसका मैंने एग्जांपल समझाया था कैसे इसे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। मेरिट के अर्थमेटिक मीन का रिजल्ट डिफाइन होता है, आसानी होता है कैलकुलेट करने में और सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। और दोस्तों ये फाइनाइट होता है, इंडेफिनिट होता है, ये भी इसका एक मेरिट है और इसको आप अलजेब्रिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, दिस इज ऑल्सो मेरिट। अब बात करें दोस्तों डिमेरिट क्या है, तो ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड होता है, ये रेशियो का एवरेज नहीं कर पाता और इसको आप एक्यूरेटली कंप्यूट नहीं कर सकते। कभी कभी दोस्तों ऑब्जर्व्ड वैल्यू से कंसाइड नहीं करता और जो है जब ओपन क्लास इंटरवल हो तो मीन आसानी से नहीं निकाला जा सकता। ज्योमेट्रिक मीन दोस्तों क्या होता है कि आपके ज्योमेट्रिक मीन आपके एवरेज होता है, एवरेज वैल्यू होता है जो कि स्टैंडर्ड टेंडेंसी को मेजर करता है। कैसे, रूट ऑफ प्रोडक्ट, यानी आपका जो वैल्यूज है उसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए फिर रूट ले लीजिए तो ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा। ज्योमेट्रिक मीन हमेशा अर्थमेटिक मीन से कम होता है, याद रखिएगा। इसको हम लोग यूज स्टॉक इंडिसेस में करते हैं या एनुअल रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं या फाइनेंस में यूज होता है और सेल डिवीजन बैक्टीरियल ग्रोथ की स्टडी में होता है। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू xn का अंडर रूट n टाइम्स या टू द पावर 1/n, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं, अनग्रुप डाटा का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। यदि हमारे पास ग्रुप डाटा है तो x1 टू द पावर f1 इंटू x2 टू द पावर f2 इंटू x3 टू द पावर f3 ... इंटू xn टू द पावर fn होल टू द पावर 1/n, इससे आपको क्या मिलेगा, gm मिलेगा। यहाँ पे f1 f2 f3 क्या है, फ्रीक्वेंसीज है, किसका, x1 x2 x3 ऑब्जर्वेशंस का। और n जो होता है हमारा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 ... fn होता है। मेरिट बताया ज्योमेट्रिक मीन का, तो दोस्तों इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आप और फ्लक्चुएशन से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है इसमें। डिमेरिट क्या है कि इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। और दोस्तों जब आइटम का वैल्यू जीरो हो, नेगेटिव हो, तो आप ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते। बात करें हार्मोनिक मीन की, ये अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन को यूज़ करते हैं डिफरेंट रेट का एवरेज निकालने के लिए और स्पीड को आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1/xi, i = 1 to y = n। ये फॉर्मूला है अनग्रुप डाटा के लिए। और ग्रुप डाटा के लिए जो फॉर्मूला है वो है n डिवाइडेड बाय सिग्मा fi अपॉन xi, i = 1 to y = n। n क्या है, वहाँ पे f1 प्लस f2 प्लस f3 .fn है, ठीक है। उसके बाद बात करें कंपैरिजन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन का, तो am जो है hm से बड़ा है, hm जो है gm से बड़ा है और am इनटू hm = gm² होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मला आपको याद रखना चाहिए। मैंने सारा फॉर्मला का कंपाइलेशन एक पार्टिकुलर PDF में प्रोवाइड किया अपने पेड मेंबर को ताकि वो क्विकली रिवाइज कर लें सारे के सारे फॉर्मले को विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड शुड फोकस मोर ऑन MCQ सॉल्विंग विच आई प्रोवाइडेड टू आवर पेड मेंबर। नाउ लेट्स सी मीडियन एंड क्वार्टाइल। मीडियन क्या होता है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का मिडिल वैल्यू है उसे हम लोग मीडियन कहते हैं। मीडियन एक वैल्यू होता है वेरिएबल का जो कि उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, तो ये मीडियन होता है। क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल वो पॉइंट होता है दोस्तों जो कि हमारे डाटा को चार इक्वल भाग में डिवाइड करता है। दोस्तों क्वार्टाइल डाटा को तीन पॉइंट में डिवाइड करता है, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन और अपर क्वार्टाइल, Q1 Q2 Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम में समझाया गया है Q1 क्या है, Q2 क्या है, Q3 क्या है। इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको पता होना चाहिए, आपका Q2 और Q3 के बीच का डिफरेंस को हम लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपको अनग्रुप डाटा या रॉ डाटा का मीडियन निकालना है तो दो केस हो सकता है, या तो ऑड नंबर ऑफ डाटा ऑब्जर्वेशन हो या इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो। यदि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन होता है, ऑड वाले केस में n+1/2th, प्लीज रिमेंबर। इवन वाले के केस में दोस्तों, तो उसके लिए क्या है कि आपको क्या करना है कि n/2th ऑब्जर्वेशन ले लीजिए और n+1/2th ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, उस दोनों को जोड़ के 2 कर लीजिए तो मीडियन हो जाएगा। फ्रेंड्स लेट मी टेल यू वंस मोर, आई एम मूविंग फास्ट बिकॉज वी आर रिवाइजिंग, ओके। सिंस मैंने एक एक चीज़ को डिटेल में समझाया, मैंने एक एक लेक्चर लिया है मीडियन को समझाने में, मैंने इस टॉपिक को, इस चैप्टर को 6 लेक्चर में कंप्लीट किया है, लगभग 30-30 मिनट का एक लेक्चर है। सो आई हैव कंप्लीटेड दिस पार्टिकुलर चैप्टर इन ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स, ओके। आई हैव डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ इच एवरी पॉइंट, बट सिंस वी आर रिवाइजिंग दैट्स व्हाई आई एम मूविंग फास्ट, ओके। सो जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ ताकि कम समय में आप ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, अपने आउटपुट को बढ़ा पाएं। चलिए तो मीडियन कैसे निकालते हैं, मैंने दो फॉर्मूला बता दिया अनग्रुप के लिए और ग्रुप के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अनग्रुप डाटा का मीडियन कैसे निकालेंगे। तो x1 का फ्रीक्वेंसी, x1 की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 की कॉरस्पॉन्डिंग f2, x3 कॉरस्पॉन्डिंग f3 है। तो मीडियन निकालने के लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है l1 plus l2 minus l1 अपॉन इनटू n/2 minus cf अपॉन होल डिवाइडेड बाय f, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है l1 होता है लोअर लिमिट, l2 होता है अपर लिमिट, f होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, cf होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेजेंट इन द मीडियन क्लास एंड द टोटल फ्रीक्वेंसी। चलिए ये सब फॉर्मूला मैंने आपको करके बताया, एग्जांपल सफिशिएंट करवाए हैं, मोर देन एनफ एग्जांपल करवाए हैं सभी चैप्टर पे, ये सभी एग्जांपल से हमने किए हैं। उसके बाद दोस्तों मोड क्या होता है, मोड दोस्तों वो नंबर होता है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ऑकर होता है किसी सेट में। किसी अनग्रुप डाटा का मोड कैसे निकालते हैं, तो जो नंबर सबसे ज़्यादा होता है ऑकर होता है वही होता है हमारा अनग्रुप डाटा का मोड। और ग्रुप डाटा का मोड कैसे निकालते हैं, l1 plus l2 minus l1
इंटू एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई टू टाइम्स एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। मैंने एक ट्रिक बताया था अपने पेड ग्रुप में कैसे इसको याद किया जाए। आई हैव टोल्ड यू अ ट्रिक, ओके, यू कैन टेक एक्सेस ऑफ द पेड ग्रुप एंड यू कैन नो द ट्रिक। सो दिस इज हाउ मोड इज कैलकुलेटेड। मोड को हम लोग अनुग्रुप डाटा के लिए निकालते हैं और ग्रुप डाटा के लिए भी निकालते हैं। अब बात करें दोस्तों तीनों में क्या रिलेशनशिप है मीन मीडियन मोड में। सो मोड इक्वल टू थ्री टाइम्स मीडियन माइनस टू टाइम्स मीन, प्लीज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद दोस्तों डिस्पर्सन की बात करें तो डिस्पर्सन दोस्तों एक प्रॉपर्टी होता है डाटा का जो कि डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी बताता है आपको। चार तरीके हैं हम लोग डिस्पर्सन को मेजर करने का, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर रिलेटिव मेजर भी हैं। ये एब्सोल्यूट मेजर से रिलेटिव मेजर है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए, कैलकुलेट करना आसान हो, अंडरस्टैंड समझना आसान हो। तो पहले बात करते हैं चारों का, वेरिएंस, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। रेंज क्या होता है, रेंज सबसे सिंपलेस्ट एब्सोल्यूट मेजर है डिस्पर्सन का। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। कोएफिशिएंट रेंज मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम। प्लीज़ रिमेंबर आपको मैंने कैसे निकाला, इसका मेरिट क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, और डिमेरिट है कि सारे ऑब्जर्वेशन में बेस्ड नहीं होता है। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है कि दो क्वार्टाइल के बीच का जो रेंज के मिड पॉइंट होता है, यानी दो क्वार्टाइल के रेंज का जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। Q3 = Q3 QD यानी क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 - Q1 / Q2। Q1 क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल है, Q3 क्या है, थर्ड क्वार्टाइल है। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल कैसे डेविएशन कैसे निकालते हैं, Q3 - Q1 / Q3 + Q1। प्लीज रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, Q3 - Q1 / Q3 + Q1, मतलब उन नोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कीजिए और डिनोमिनेटर में एडिशन कीजिए। बहुत ही सिंपल है, याद रखना, सब्ट्रैक्शन अपॉन एडिशन। मेरिट क्या है, आसान है कैलकुलेट करना, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता है। डिमेरिट क्या है, सारे ऑब्जर्वेशन में बेस्ड है और दोस्तों फर्दर अल्जेब्रिकल ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। फिर बात करें दोस्तों हम लोग मीन कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। समेशन ऑफ मॉड, मॉड मतलब मॉडुलस, मॉडुलस मतलब पॉजिटिव साइन, कुछ भी अंदर नेगेटिव वो पॉजिटिव साइन ही देगा। समेशन ऑफ मॉडुलस xi - x̅, i = 1 to i = n, ये हमारे नोमेटर में रहेगा, डिनोमेटर में हमारा n से डिवाइड कर देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समेशन ऑफ xi - x̅ का मॉड डिवाइडेड बाय n, ये होता है हमारा क्या, मीन डेविएशन। कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं दोस्तों, याद रखिएगा मीन डेविएशन हमारा एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, कोएफिशिएंट और डेविएशन हमारा रिलेटिव मेजरमेंट है। तो रिलेटिव मतलब ये हुआ कि हम किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे, यानी हमारा जो मीन है, हमारा जो MD है यानी मीन डेविएशन है, उसको मीन से डिवाइड कर दिए तो आपको कोएफिशिएंट और मीन डेविएशन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों किसी ग्रुप डाटा कैसे निकालेंगे, ये तो अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला आपको बताया। यदि ग्रुप डाटा है तो समेशन ऑफ fi mod xi - x̅ i = 1 to i = n डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi i = 1 to i = n। ठीक है, इस तरह हम लोग मीन डेविएशन निकालते हैं। और कोएफिशिएंट और मीन डेविएशन निकालना है तो मीन डेविएशन नोमिनेटर में लिख दीजिए, मीन को नीचे में लिख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो हमारा जो नेक्स्ट ये अब मेजर ऑफ डिस्पर्सन है वो है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन बोलिए, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बोलिए। व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन, आपका जो रेंज होता है दो क्वार्टाइल के बीच का रेंज है उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 = Q1 - Q2। Q1 क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल है, Q3 क्या है, थर्ड क्वार्टाइल है। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन कैसे निकालेंगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, Q3 - Q1 / Q3 + Q1। ओके, मेरिट क्या है, आसान है कैलकुलेट करना, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता, सबका मेरिट लिमिटेड एक ही चीज़ है। यदि हम बात करें दोस्तों मीन डिवीजन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, ये हमने पहले ही बताया आपको, वी हैव टोल्ड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस थिंग, देख रहे हैं एक एक चीज़ मैंने समझाया अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड डिवीजन की। स्टैंडर्ड डिवीजन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कॉमनली डिस्पर्सन का मेजर है। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है दोस्तों, वेरिएंस का अंडर रूट, राइट, वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। और वेरिएंस क्या होता है, समेशन ऑफ xi - x̅ का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, और उसका अंडर रूट, उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं अंडर रूट समेशन ऑफ x²/n - x̅ का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने ट्रिक बताया था कैसे इसको याद किया सके, आई हैव टोल्ड इन माय वीडियोस व्हाट इज द ट्रिक टू रिमेंबर इट। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप डाटा कैसे निकालते हैं, तो समेशन ऑफ एफ टाइम्स x - x̅ का होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ का अंडर रूट। ठीक है, इसको फर्दर लिख सकते हैं समेशन ऑफ fx² / n - समेशन ऑफ fx / n का होल स्क्वायर। एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है σ/x²/100%। प्लीज रिमेंबर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। चलिए उसके बाद दोस्तों मेरिट डिमेरिट सब में तो बराबर ही है, कोई रटने का जरूरत नहीं है। स्क्यूनेस और कुर्टोसिस की बात करते हैं। स्क्यूनेस आपको पता था कि कितना डिस्टॉर्शन है, यदि डिस्टॉर्शन है आपका जो सिमेट्रिक बेल कर्व होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शिफ्ट कर्व होता है, तो बेल शिफ्ट कर्व से कितना आपका डिस्टॉर्शन है ये कौन बताता है, आपको स्क्यूनेस बताता है। ठीक है, तो ये मेजर करता है कि सिमेट्री के लॉस कितना है, व्हाट इज द लैक ऑफ सिमेट्री। तो दो तरह के स्क्यूनेस होते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस। दोस्तों ध्यान सुनिएगा, मैं आपको याद करवा दूंगा। यदि आपका जो ऑब्जर्वेशन का बल्क है वो मीन के लेफ्ट साइड में है, डायग्राम देखिए दोस्तों, यदि आपका ये डायग्राम देखिए, यदि आपका जो मीन है वो आपके
यानी बल्क ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आपके मीन के लेफ्ट साइड में है और पॉजिटिव साइड लंबा है, पहला फिगर देखिए, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। और यहाँ पे मीन मीडियन जो होता है वो ज़्यादा होता है मोड से, ठीक है। दूसरा चीज़ ये होता है कि आपका जो बल्क ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो आपके राइट साइड में हो, मीन के राइट साइड में हो, ठीक है, तो नेगेटिव साइड लॉन्गर होगा, तो उसे उस केस में क्या होगा कि हमारा जो मीन मीडियन होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू मोड। तो बस आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तरह के स्क्यूनेस होते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस, किस केस में पॉजिटिव होते हैं, किस केस में नेगेटिव होते हैं, मैंने आपको समझा दिया। दोस्तों इसके लिए, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है, इसको कहते हैं कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस, बीटा वन होता है, बीटा वन का फॉर्मुला होता है म्यू थ्री का स्क्वायर अपॉन म्यू टू का क्यूब। मैंने अपने वीडियो में डिटेल वीडियो इस पर बनाया था दोस्तों, एक घंटा का हाफ एन आवर का वीडियो था दोस्तों, जिसे मैंने इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन किया था। मैं आपको फॉर्मुला बता रहा हूँ, ये बीटा वन का फॉर्मुला याद रखिएगा, म्यू थ्री का स्क्वायर अपॉन म्यू टू का क्यूब, म्यू थ्री का स्क्वायर अपॉन म्यू टू का क्यूब, दो तीन बार बोली याद हो जाएगा, लिख लीजिए याद हो जाएगा, म्यू थ्री का स्क्वायर अपॉन म्यू टू का क्यूब। म्यू टू क्या है, म्यू थ्री हमारा सेंट्रल थर्ड सेंट्रल मूवमेंट और म्यू टू क्या है हमारा सेकंड सेंट्रल मूवमेंट, फॉर्मुला आपके सामने है दोस्तों। जो हमारा स्क्यूनेस का डिग्री होता है वो बीटा वन बताता है, और बीटा वन का साइन होता है दोस्तों वो म्यू वन के साइन पर डिपेंड करता है। बीटा वन जीरो होगा तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बीटा वन ग्रेटर देन जीरो होगा तो पॉजिटिव स्क्यू होगा, बीटा वन ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो होगा तो आपका नेगेटिव स्क्यू होगा, बहुत ही सिंपल इसको याद करना। बात करें कुटोसिस, कुटोसिस आपके डिस्ट्रीब्यूशन के टेल को बताता है, यानी कितना पीकेडनेस है, कितना फ्लैटनेस है। और दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें पीक सेम हो, नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीक है वही पीक हमारे यदि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पीक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पीक के बराबर हो उसको कहते हैं मेसोकार्टिक। जिस डिस्ट्रीब्यूशन में पीक हायर होता है शार्पर होता है मेसोकार्टिक से और टेल फ्लैटर होता है उसको कहते हैं लेप्टोकार्टिक, और जिस डिस्ट्रीब्यूशन में पीक लोअर होता है शॉर्टर होता है मेसोकार्टिक से और टेल थिनर होता है उसको कहते हैं प्लैटिकार्टिक। क्यूटोसिस को मेजर करने का फॉर्मुला होता है बीटा टू इजल टू म्यू थ्री म्यू फोर अपॉन म्यू टू का होल स्क्वायर, प्लीज रिमेंबर म्यू फोर अपॉन म्यू टू का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए डायग्राम से मैंने सबको समझाया है और उससे मैंने रिसेप्शन एग्जांपल भी किया, तो ये था हमारा यूनिट नंबर 3। फ्रेंड्स इफ यू नीड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ टॉपिक विच वी आर गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी यूनिट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई पेड प्लान, आई एम प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी डिटेल, नो नीड टू रेफर एनी बुक, ओके, एंड दिस प्लान विल वैलिड टिल यू क्लियर योर सीआईबी एग्जामिनेशन, सो यू इनरोल टू आवर प्लान एंड यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द काइंड ऑफ PDFs and MCQs and videos which are related to your AVM examination or CIB examination. Detail regarding it can be seen on the screen. For more detail you can WhatsApp me on the number or in the description you can see a link which you can click on and you can get more detail about the enrollment. सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज अवर यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 को रिवाइज कीजिए, कोरिलेशन क्या होता है, जब दो वेरिएबल ऐसे रिलेटेड हैं एक में चेंज आने का दूसरे में चेंज आ जाए उसको कोरिलेशन कहते हैं, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा, तो दोस्तों कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा चेंज का उतना ही ज़्यादा वेरिएबल को कोरिलेटेड कहा जाता है। कोरिलेशन दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन। जब कोरिलेशन पॉजिटिव या नेगेटिव वो इस बात पर डिपेंड करता है दोस्तों कि किस डायरेक्शन में वेरिएबल मूव कर रहा है, ठीक है, तो वेरिएबल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये डिसाइड करता है। यदि दोनों एक सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो या मान लीजिए दोनों बढ़ रहा है या दोनों घट रहा है, ठीक है, तो कहा जाता है कि कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव है या डायरेक्ट है। और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है कि दोनों वेरिएबल जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, दूसरा बढ़ता है दूसरा घटता है, पहला बढ़ता है, तो इसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन। यदि हमको कोरिलेशन स्टडी करना है तो पहला तरीका है स्कैटर डायग्राम, ये एक ग्राफिक डिवाइस होता है कि हम कोरिलेशन पता करते हैं दो वेरिएबल के बीच में, ठीक है। स्कैटर डायग्राम आप देख सकते हैं आपके स्लाइड पे ये शो हो रहा है दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको बताया था लाइन ऑफ बेस्ट फिट, एक लाइन जो कि पास करता है जितना क्लोज हो सके सारे प्लॉटेड पॉइंट्स, उसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहते हैं। बात करें दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कार्ल पियर्सन ने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला बताया था, इसका ट्रिक होता है समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट समेशन ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर। अभी डी एक्स डी वाई क्या है, डी एक्स है आपका एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार क्या है आपका मीन, एक्स का वैल्यू का मीन, और एक्स आई क्या है इंडिविजुअल वैल्यू। तो डी एक्स निकालना है तो एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लीजिए, डी वाई निकालना है तो वाई आई माइनस वाई बार निकाल लीजिए। एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है दोस्तों कि जब बिना मीन का मीन से डेविएशन लेके, ठीक है, डायरेक्टली बिना आपको मीन का, पहला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वहाँ पे आपको मीन से डेविएशन लिए ना, बिना मीन का डेविएशन लिए कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको करना है समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन अंडर ब्रैकेट होल डिवाइडेड बाई अंडर ब्रैकेट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर समेशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन अंडर ब्रैकेट समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन,
ठीक है। और तीसरा तरीका है कि जब डेविएशन आपको लिया है एज्यूम मीन से समेशन यू भी माइनस समेशन यू इंटू समेशन भी अपॉन एन, समेशन यू का स्क्वायर माइनस समेशन यू का होल स्क्वायर अपॉन एन, अंडर ब्रैकेट समेशन भी का स्क्वायर माइनस समेशन भी का स्क्वायर, तो तीनों केस मैंने फॉर्मला बताया, फॉर्मला एक ही निकाल रहे हैं किस चीज़ को रिलेशन कोएफिशिएंट, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा केस है, इससे वो आसानी से निकल जाए। सो आई हैव टॉक्ड इन डिटेल अबाउट ऑल द थ्री, कैसे इन तीनों को यूज किया जाए, मैंने एग्जांपल समझाया, देखिए आपके सामने मैंने एग्जांपल लिया और मैंने इसको डिटेल में समझाया है दोस्तों, ठीक है, कैसे आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताते हैं, हमारा ये दो घंटे का वीडियो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे, आई हैव टॉक इन डिटेल किस चीज़ किस फॉर्मूले को कहाँ यूज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत कन्फ्यूजन रहता है फॉर्मूले को यूज में, कब फॉर्मूला, कब हम लोग पहला फॉर्मूला यूज करें, कब हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करें, क्या ट्रिक कोई है जिसको याद कर सकें, दोस्तों बिल्कुल ट्रिक है, मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बताया है। चलिए आप भी इस वीडियो का हिस्सा हो सकते हैं, यू नीड टू व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर सून इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ लेट्स दिस इज हाउ वी यूज द सेकंड फॉर्मूला, दिस इज हाउ यू यूज द थर्ड फॉर्मूला, एवरी फॉर्मूला हैज बीन एक्सप्लेन यूज इन एग्जांपल। नाउ बात करें रिग्रेशन की, रिग्रेशन दोस्तों एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसके द्वारा हम एस्टिमेट कर सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी एक वेरिएबल की अननोन वैल्यू का, ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं रिग्रेशन। लीस्ट स्क्वायर मेथड एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग बेस्ट फिटिंग कर्व फाइंड करते हैं या लाइन ऑफ बेस्ट फिट फाइंड करते हैं फ्रॉम सेट ऑफ डाटा। जो लीस्ट स्क्वायर का इक्वेशन होता है दोस्तों वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है, यहाँ पे दोस्तों इसका नॉर्मल इक्वेशन ए का होता है समेशन वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी टाइम समेशन एक्स, नॉर्मल इक्वेशन बी होता है दोस्तों समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए टाइम समेशन एक्स प्लस बी टाइम समेशन एक्स स्क्वायर। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ए और बी का वैल्यू निकलेगा, बी का वैल्यू निकलेगा को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, बी और ए निकालना आपको जान तभी आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकाल सकते हैं, क्योंकि वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में दो हमारे पास वेरिएबल है, एक ए है और एक बी है, बी निकालने के लिए आपको क्या करना है को वेरिएंस निकाल लेना है एक्स और वाई का और उसको डिवाइड कर लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर का, और ये इस तरह से आप लोग बी निकाल लेंगे, और यानी तो एक फॉर्मूला आपके सामने है वन बाय एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर वन बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो इस तरह से आप बी निकालेंगे, यानी तो को वेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालिए तो आपको बी मिल जाएगा, तो बी निकालेगा दो फॉर्मूला में आपने बताया, एक सिंपल सा फॉर्मूला है को वेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, मान लीजिए को वेरिएंस आपको दिया हुआ है सिग्मा एक्स आपको दिया हुआ है, बी पूछे निकाल के बैठे निकाल लेंगे, और ये निकालने के लिए वाई बार माइनस बी टाइम एक्स बार का फॉर्मूला यूज किया, मैंने आपको एग्जांपल भी करके दिखाया कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। तीसरा चीज़ जो कि ध्यान रखना है वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट होता है दोस्तों उसके द्वारा आप एक वैल्यू एक किसी वेरिएबल का वैल्यू बता सकते हैं, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट बताता है कितना गुड आपका प्रेडिक्शन है, तो आप जो है ऑब्जर्व स्टैंडर्ड वैल्यू कितने कंपेयर कर सकते हैं, तो ये स्टैंडर्ड एस्टीमेट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस टू, इसको कैसे यूज करना है ये मैंने आपको एग्जांपल समझाया है। नाउ लेट्स रिवाइज आप यूनिट नंबर फाइव दैट इज टाइम सीरीज, टाइम सीरीज को रिविजन करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों टाइम सीरीज के अंदर डाटाज होते हैं जिसको क्रोनोलॉजिकली आप अरेंज करते हैं, एक वेरिएबल होगा टाइम, दूसरा वेरिएबल हो सकता है सेल प्रोडक्शन क्राइम रेट कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल आपका ईयर है दूसरा वेरिएबल आपका सेल है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव आप ये समझ पाएं कि पास्ट में क्या चेंज आया है और उस बेसिस पे आप फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर पाएं, इसका यूज होता है दोस्तों पास्ट बिहेवियर रिवेल्यूशन में फोरकास्टिंग में। दोस्तों ये आप देख सकते हैं जो फ्लक्चुएशन होता है वो उसके चार एलिमेंट होते हैं, टी एस सी आई, टी से सेकुलर ट्रेंड, एस से सीजनल वेरिएशन, सी से साइक्लिकल वेरिएशन और चौथा होता है इरेगुलर वेरिएशन, इसलिए याद रखा गया टी एस सी आई, चारों आपको याद हो जाएगा, टी से सेकुलर, एस से सीजनल, सी से साइक्लिकल, आई से इरेगुलर। सेकुलर ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि दोस्तों आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का जो ट्रेंड है वो जनरल रहे और वो या तो बढ़ रहा हो या घट रहा हो या स्टैग्नेंट हो, जैसे ऑटोमोबाइल का सेल, डेथ रेट, ये सब देखिए या तो ऊपर बढ़ रहा है या नीचे घट रहा है, स्लोप इसका कांस्टेंट है। सीजनल वेरिएशन में क्या होता है कि जब एक साल से कम पीरियड के लिए होता है ये, जैसे अम्ब्रेला का सेल, एसी का सेल, फैन का सेल, स्वीट का सेल, टूर का सेल, ट्रैवल का सेल, तो ये होता है हमारा सीजनल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन में क्या होता है कि चेंजेस जो होते हैं वो एक से ज़्यादा पीरियड के लिए होते हैं, जैसे इकोनॉमिक बिजनेस, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ये सभी दोस्तों हमारे साइक्लिकल वेरिएशन के पार्ट हैं। इरेगुलर वेरिएशन क्या होता है कि रैपिड चेंज होता है शॉर्टर टाइम में, यानी कम समय में रैपिड चेंज होता है, उसको कहते हैं इरेगुलर वेरिएशन, इसको प्रेडिक्ट नहीं किया सकता, ये इरेटिक होता है। दोस्तों एस्टिमेशन मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड, तो हमारे पास फ्री हैंड कर्व है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है, तो सबसे पहले लीस्ट स्क्वायर मेथड की बात करते हैं, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में आप स्ट्रेट लाइन फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर ऑड नंबर ऑफ ईयर, यदि ऑड नंबर ऑफ ईयर हो तो आप कैसे स्ट्रेट लाइन को फिट करेंगे, ये मैंने एग्जांपल के द्वारा समझाया था, ठीक है, कैसे आप ये जो रिग्रेशन का फॉर्मूला आपको बताया था ना पिछले लेक्चर में सेम है, सेम उसी को यूज करना है, बी निकालना है, ए निकालना है, तो आपको फिर ट्रेंड लाइन मिल जाएगा, फिर आप वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में बी और ए पुट करेंगे आपको ट्रेंड लाइन मिल जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कैसे इसको सॉल्व करना है वी हैव टॉक डिटेल इन लेक्चर। बात करें दोस्तों एवन नंबर ऑफ ईयर्स की फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन की, तो कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया एग्जांपल के माध्यम से। सीजनल वेरिएशन में क्या होता है दोस्तों, तो थ्री ईयर मूविंग एवरेज लेते हैं, तो एक ईयर का रो है, एक सेल का रो है, फिर आप क्या करेंगे कि तीन तीन का मूविंग एवरेज निकालेंगे, यानी आपका जो 1980, 1981, 1982 का सेल है उसको जोड़ के तीन से डिवाइड कर देंगे तो मूविंग एवरेज मिलेगा, फिर फाइव ईयर मूविंग एवरेज निकालेंगे आपको फिर ट्रेंड वैल्यू मिलेगा,
उसके बाद दोस्तों इसके कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया। फिर फोर ईयर मूविंग एवरेज मेथड होता है, कभी कभी इस मूविंग एवरेज पर सवाल पूछा जाता है कि फोर ईयर मूविंग एवरेज कैसे निकलेगा। तो फोर ईयर मूविंग एवरेज में आपको चार साल का सेल लेना है और उसको फोर से डिवाइड कर देना है तो उसका एवरेज आपको मिलेगा, ठीक है, उससे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाएगा। फिर दोस्तों मैंने आपको सीजनल वेरिएशन के बारे में बताया, सीजनल वेरिएशन कैसे डील करना है, ये सब डिटेल मैंने डिटेल डिस्कशन की, एक घंटा का लेक्चर है। साइक्लिकल वेरिएशन में दोस्तों रेजिडुअल मेथड होता है, रेजिडुअल मेथड में हम लोग एक एस्टिमेटेड वैल्यू कंप्यूट करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल वैल्यू से। तो दोस्तों इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है एक एस्टिमेटेड वैल्यू का और एक्चुअल वैल्यू का, ठीक है। तो एक कॉलम होता है वाई बार का बनेगा, एक कॉलम बनेगा वाई अपन वाई बार इंटू 100 और एक कॉलम बनेगा वाई माइनस वाई बार अपन वाई बार इंटू 100। इरेगुलर वेरिएशन में दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे इसे सॉल्व करना है, डिसलाइन डाटा क्या होता है, सिसलाइन डाटा क्या होता है, सभी की चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कशन किया। दोस्तों हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं अपने एस्टिमेशन को। एस्टिमेशन में दोस्तों क्या करते हैं कि हम लोग पॉपुलेशन का मीन एस्टिमेट करते हैं सैंपल के मीन के माध्यम से। एस्टिमेशन का टर्मिनोलॉजी होता है स्टैटिस्टिक्स, पैरामीटर, एस्टिमेटेड, एस्टिमेट, स्टैंडर्ड एरर। फॉर्मला याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मला है। यदि आपको पॉपुलेशन साइज ने दिया हुआ है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, तो अननोन के लिए होता है, अननोन डाटा हो तो सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, नोन के लिए सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन इंटू अंडर ब्रैकेट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन माइनस वन। दोस्तों यदि आपका प्रोपोर्शन का स्टैंडर्ड एरर निकालना है तो पी क्यू अपॉन एन होता है, और ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन इंटू अंडर रूट एन माइनस एन अपॉन एन माइनस वन, ये आपका फॉर्मला होता है। गुड एस्टिमेटर क्राइटेरिया अनबायस होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, इफिशियंट होना चाहिए, सफिशियंट होना चाहिए। ये चार क्राइटेरिया सवाल पूछा गया था पिछली बार, अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, इफिशियंसी, सफिशियंसी। पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, जो आपका अननोन पॉपुलेशन का एस्टिमेट जो है एक सिंगल वैल्यू से एक्सप्रेस किया जाए तो पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है, पॉइंट एस्टिमेट क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, दिस थिंग यू शुड नो। एक ये बेसिक फॉर्मला है एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, और ये जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसे हम लोग एस्टिमेटर कहते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मला इंबैलेंस में आपको बताया है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। उसके बाद इंटरवल एस्टिमेट बताया था, जब भी एस्टिमेटर अननोन पॉपुलेशन का एक्सप्रेस किया जाए रेंज या वैल्यू के द्वारा जिसमें पैरामीटर ऑकर होता है उसे इंटरवल एस्टिमेट कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल का काम आता है, 95% कॉन्फिडेंस को मैंने समझाया डिटेल में, कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या होता है। उसके बाद दोस्तों मैंने हम डिस्कशन किया है कि जब दो सिग्मा के अंदर कुछ भी यदि दो सिग्मा एरिया के अंदर फॉल करेगा तो 95% पॉसिबिलिटीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये मैंने 95% दो सिग्मा बताया, और इसको कैसे आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस टू टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद दोस्तों कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जो कि हम हर एक इंटरवल एस्टिमेट से एसोसिएट करते हैं उसे कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तों रेंज होता है एस्टिमेट वीयर मेकिंग, अपर लिमिट होता है, लोअर लिमिट होता है, सीएल और सीआई में क्या रिलेशनशिप है। दोस्तों हायर कॉन्फिडेंस लेवल 99% नहीं लेते हैं सभी एस्टिमेट में, क्योंकि कुछ हाई कॉन्फिडेंस लेवल से प्रॉब्लम एसेट होता है। जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतना ही छोटा स्मॉलर स्टैंडर्ड एरर होगा और उतना ही छोटा आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। तो स्टैंडर्ड सैंपल साइज हायर, स्टैंडर्ड एरर लोअर और कॉन्फिडेंस इंटरवल नैरोअर। फिर मैंने बताया कि कैसे हम मीन निकालते हैं लार्ज सैंपल से, वो मैंने आपको बताया, हाउ डू कैलकुलेट मीन फ्रॉम लार्ज सैंपल। यू सी एज इक्वल टू एक्स बार प्लस जेड टाइम सिग्मा एक्स बार, एल सी एल इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड टाइम सिग्मा एक्स बार। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है तो उस केस में कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, यदि नोन है तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो वी हैव टॉक इन डिटेल रिगार्डिंग ऑल दिस। इंटरवल स्टैंड प्रमोशन फॉर लार्ज सैंपल, लार्ज सैंपल्स के प्रमोशन से इंटरवल एस्टिमेट निकालना है। एन आपका नंबर ऑफ ट्रायल, पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो उस केस में मीन होता है पी के बराबर, स्टैंडर्ड एरर होता है अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन, ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के से रिलेटेड पॉइंट है। ये सब पॉइंट को ध्यान रखेंगे, इस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोगों ने डिस्कशन किया है। चलिए दोस्तों हम लोग प्रोबेबिलिटी को क्विकली डिवाइस करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में दोस्तों आपको याद रखना है कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जो हमारा पहला एन नेचुरल नंबर उसका प्रोडक्ट को हम लोग फैक्टोरियल एन से डिनोट करते हैं। फॉर्मुलेशन होता है पी एन आर, फॉर्मला होता है एन 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 फॉर्मला होता है फैक्टोरियल एन अपन फैक्टोरियल एन माइनस आर आर एन एन माइनस आर फैक्टोरियल। और दूसरा फॉर्मला है दोस्तों एन सी आर का फैक्टोरियल एन अपन आर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशनशिप होता है, पी एन आर इजकल टू आर फैक्टोरियल माइनस एन सी एन आर, ये फॉर्मला होता है। यानी एन पी एन आर प्लस सी एन आर जोड़ेंगे तो आपको एन एन पी आर प्लस एन सी आर जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा फैक्टोरियल आर। उसके बाद दोस्तों रैंडम एक्सपेरिमेंट ट्रायल का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट या ऑपरेशन जो हम कंडक्ट करते हैं आइडेंटिकल कंडीशन में तो उसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है दोस्तों, जो भी सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है सैंपल स्पेस कहते हैं, और हर एक सैंपल स्पेस के एलिमेंट को सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। सर्टन इवेंट क्या होता है, यदि सैंपल पॉइंट जो है सेम है सैंपल इवेंट से तो उसको हम लोग सर्टन इवेंट कहते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जो इवेंट कभी होता ही नहीं है या इसका कोई फेवरेबल आउटकम नहीं है उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, दो इवेंट को म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कहते हैं, यदि एक का हैपनिंग दूसरे को रेस्ट्रिक्ट करेगा, जैसे ए और बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो ए फैक्टोरियल बी जो है वो फाइव होगा, इक्वली
लकली इवेंट क्या होता है, इवेंट इक्वल लकली, दोनों का इक्वल चांस होगा होने का, ये सभी को मैंने डिटेल डिस्कशन किया है। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, यदि सैम्पल पॉइंट इवेंट का जो लिया है एक साथ लिया है, ठीक है, तो उसे एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। यदि ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट है तो ए यूनियन बी आपका सैम्पल स्पेस के बराबर होगा। ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट है तो ए यूनियन बी एस, बताया मैं आपको। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, दो इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री है, यदि ए और बी एग्जॉस्टिव भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइव के बराबर होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए बार से डिनोट करते हैं। उसका दोस्तों प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन अपॉन नंबर सैम्पल पॉइंट इन एस, ये फॉर्मूला होता है हमारे प्रोबेबिलिटी का, जिसके हम लोग उसको क्वेश्चन भी किया था इस पर। फिर टॉसेस का कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं ये मैंने आपको बताया था। बैग के अंदर व्हाइट बॉल है, ब्लैक बॉल है, कैसे इसको इस तरह के क्वेश्चन को डील करना है ये मैंने आपको समझाया है, किस चीज़ को डील समझाया है, किस केस में आपका विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, विद रिप्लेसमेंट होता है, मैंने इसको समझाया है दोस्तों एक एक चीज़ को। कैसे आप लोग परम्यूटेशन करते हैं, किसी नंबर का परम्यूटेशन करते हैं, ये सब कैसे करते हैं, रैंडम आपका साइक्लिक परम्यूटेशन कैसे होता है, वर्ड से परम्यूटेशन कैसे करते हैं, सब पे सवाल आपके बुक में दिया हुआ है, मैंने एक एक चीज़ को समझाया है। एडिशन थ्योरम क्या होता है, ए और बी दो इवेंट है, मान लीजिए कि सैंपल स्पेस है इसका सबसे सबसेट है जो कि डिसजॉइंट नहीं है, तो दोस्तों ए या बी का होना या ए और बी दोनों का होना उसका प्रोबेबिलिटी होता है पी ए यूनियन बी इजिकल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। और यदि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए और बी का इंटरसेक्शन जीरो होगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू पी ए प्लस पी बी होता है। यदि तीन नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट है तो पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी, एक्चुअली में यहाँ पे पी ए यूनियन बी बी यूनियन सी है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी प्लस माइनस पी एन इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा तीन इवेंट के लिए है। यदि ए और बी एस कोई भी इवेंट है तो पी ए इजिकल टू पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, ए कॉम्प्लीमेंट ए सी ए कॉम्प्लीमेंट्री ए का कॉम्प्लीमेंट्री है तो पे को पी ए कॉम्प्लीमेंट्री इजिकल टू वन माइनस पी ए, पी बी ए पी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री इजिकल टू पी बी माइनस पी ए बी इंटरसेक्शन है। कंडीशन प्रायोरिटी क्या होता है, प्रायोरिटी दैट कोई इवेंट ए होगा, नॉलेज ये नॉलेज में है कि बी पहले हो चुका है तो कंडीशन डालते हैं, इसको डिनोट करते हैं पी ए गिवन बी, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है पी ए गिवन बी। सो पी ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू पी ए टाइम्स पी बी गिवन ए इजिकल टू पी बी टाइम्स पी ए गिवन बी, मैंने एक एक चीज़ को डिटेल समझाया है, एक एग्जाम्पल करके बताया है। और यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर सवाल आते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू पी ए इंटू पी बी कब होगा, जब ए और बी कैसा हो, इंडिपेंडेंट इवेंट हो, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब कि एक ऑकर होने का दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाता है। मैंने एग्जांपल डिटेल में डिस्कशन किया है दोस्तों, आपके लेक्चर में प्रोवाइड किया है, जो लोग पेड मेंबर हैं उनको लेक्चर में प्रोवाइड किया है। पेड मेंबर बनने के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, डिटेल डिस्कशन नीचे में है, डिस्कशन में दिया हुआ है दोस्तों। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो कि एक रियल नंबर एसोसिएट करता है एलिमेंट सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट से। दोस्तों रैंडम वेरिएबल में डिस्क्रीट रैंडम वैल्यू होता है, कंटीन्यूअस रैंडम वैल्यू होता है। डीआरवी में क्या होता है कि रैंडम वेरिएबल जो है फाइनाइट नंबर ले रहा है उसे डीआरवी कहते हैं, यदि रैंडम नंबर जो इन्फिनिट पॉसिबिलिटी है उसे सीआरवी कहते हैं। दोस्तों पहले आपको बताया प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्टैटिस्टिकल फंक्शन होता है जो कि सारी वैल्यूज को डिस्क्राइब करता है। फिर मैंने आपको पी में बताया था प्रायोरिटी मास फंक्शन बताया था, जो भी रैंडम वेरिएबल का वैल्यू है अलॉन्ग विद कॉरस्पॉन्डेंट प्रायोरिटी किसी भी डिस्क्रीट प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से प्रायोरिटी मास फंक्शन कहते हैं। तो उसका फॉर्मला मैंने बताया था कि समेशन एफ एक्स इजिकल टू वन प्रायोरिटी दैट एक्स इजिकल टू एक्स इजिकल टू एफ एक्स, फॉर्मला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीडीएफ जो होगा वो जीरो से बराबर होगा और सभी को सम करेंगे तो वन के बराबर होगा। और दोस्तों पी एक्स इजिकल टू एक्स इजिकल टू एफ एक्स होता है। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीडीएफ बताया था, सीडीएफ होता है दोस्तों किसी रैंडम डिस्क्रीट सीडीएफ किसके लिए होता है दोस्तों, सीडीएफ होता है हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए। इसको एफ एक्स से डिनोट करेंगे, एफ एक्स का वैल्यू जीरो वन के बीच में लाई करेगा और एफ माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, एफ प्लस इन्फिनिटी वन होता है। फिर दोस्तों मैंने आपको ई एक्स बताया था, मीन बताया था, किसी भी रैंडम वेरिएबल का मीन जो है वो वैल्यू है जो कि एक्सपेक्टेड होगा पर रिपीटेशन, हर एक बार होने का चांस होगा। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स इनटू एफ एक्स, एफ एक्स क्या है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है एक्स का। और यदि आप कंटिन्यूस वेरिएबल है तो उसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इनटू एफ एक्स होता है। यदि वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का एक्स स्क्वायर और माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और ये है डिस्क्रीट के लिए, और कंटिन्यूस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर इनटू एफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ये सब मैंने एग्जांपल से करके बताया आपको, कैसे एग्जांपल से इसे सॉल्व करेंगे, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया एफ एक्स इक्वल टू एन सी एक्स इंटू पी टू द पावर एक्स इंटू वन माइनस पी टू द पावर एन माइनस एक्स। पी क्या है हमारा प्रायोरिटी ऑफ सक्सेस, क्यू क्या है हमारा प्रायोरिटी ऑफ फेलियर, एन है दोस्तों हमारा टोटल नंबर ऑफ जितने भी है हमारे सैंपल स्पेस है वो हमारा एन होता है। एक्स है, एक्स का वैल्यू जीरो से वन के जीरो से एन के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो पैनल डिसीजन में मीन होता है एनपी के बराबर, वैलेंस होता है एनपी टाइम्स एन वन वन माइनस पी के बराबर, मेजर ऑफ स्क्वेयरनेस होता है वन माइनस टू पी का होल स्क्वायर अपन एनपी क्यू, कर्टोसिस होता है थ्री प्लस वन माइनस सिक्स पी क्यू अपन एनपी क्यू, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इसमें एफ एक्स होता है ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स, ठीक है ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद ये हमारा इसके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, ये जब भी हमने डिस्कशन किया दोस्तों पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया, इसका मीन याद रखिएगा लैम्डा होता है, वेरिएंस लैम्डा होता है, मेजर ऑफ स्क्वेयरनेस बीटा वन इक्वल टू वन बाय लैम्डा होता है, कुर्टोसिस थ्री प्लस वन बाय लैम्डा होता है, ठीक है इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये नेचुरली होता है हर एक सिचुएशन, 50% डाटा लेफ्ट में ट्राई करेगा 50% राइट में ट्राई करेगा, ठीक है इसका फॉर्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू वन बाय अंडर रूट टू पाई ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू अपन सिग्मा का होल स्क्वायर अपॉन टू, ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। और फिर उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था क्रेडिट रिस्क के बारे में, तीन तरह के क्रेडिट रिस्क होते हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क होते हैं, कंसंट्रेशन रिस्क होता है, कंट्री रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क डिफॉल्ट रिस्क तब होता है जब बॉरोअर जो है यदि वो अपने अमाउंट को रिपे 90 दिन तक नहीं किया है तो 90 दिन तक ड्यू है उसका रिपेमेंट, तो उसे डिफॉल्ट रिस्क कहते हैं। कंसंट्रेशन रिस्क दोस्तों वैसा रिस्क होता है जो कि सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू एनी इंडिविजुअल, और कंट्री रिस्क दोस्तों जब भी गवर्नमेंट जो है अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पाते उसे कंट्री रिस्क कहते हैं, ठीक है। फिर हमने आपको बताया ईएडी कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कैसे निकालते हैं, लॉस गिवन डिफॉल्ट कैसे निकालते हैं, और फिर उससे एक्सपेक्टेड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। सो फ्रेंड्स इफ यू वांट सिस्टमेटिक स्टडी फॉर सीआईबी एग्जामिनेशन यू कैन ऑफर आवर प्लान डिटेल वी के डिटेल जिसके बारे में जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। आपको पीडीएफ एमसीक्यूज के फॉर्म में, थ्योरी वीडियोस के फॉर्म में सब कुछ मिलेगा जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारा 3 साल का एक्सपीरियंस है इस पार्ट को फील्ड में। डिटेल जानकारी आप मुझे इस नंबर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें, लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर फॉर मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग लीनियर फंक्शन सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन। तो कुछ कंडीशंस होते हैं जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताया एलबी मॉडल क्या होता है, आप डिसीजन वेरिएबल देखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखते हैं, कंस्ट्रेंट देखते हैं, इन सभी को डिसाइड करते हैं। उसके बाद दोस्तों कंस्ट्रेंट सभी केस में क्या है वो देखते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिसाइड करते हैं, उसके बाद आप उसे कैलकुलेट करते हैं, कंस्ट्रेंट देखते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करेंगे, एलपी का मॉडल बनाएंगे, फिर मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन होता है यानी एक्स वन और एक्स टू का वो वैल्यू जो कि इन सभी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा उसे फिजिकल सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं लेकिन उस सभी फिजिकल सॉल्यूशन से जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बेस्ट फिट करता है उसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहते हैं। प्रॉपर्टी बताया था आपको, लीनियर इक्वेशन होता है, कंस्टेंट नोन होता है, डिटर्मिनिस्टिक होता है, और सारे वेरिएबल के पास नॉन नेगेटिव वैल्यू होता है। ग्राफिकल अप्रोच बताया था आपको, फिर आपको मैंने ग्राफिकल अप्रोच समझाया था, ग्राफिकल अप्रोच क्या होता है, और उसके बाद कैसे इसे डिसीजन वेरिएबल कैसे, पहला काम है डिसीजन वेरिएबल देखना, फिर ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन देखना, फिर कंस्ट्रेंट निकालना, फिर इसे ग्राफिकली सॉल्व करना। एक चीज़ मैंने एक ट्रिक समझाया था दोस्तों, एक ट्रिक से बताया था कौन सा फिजिबल है कौन सा फिजिबल नहीं है, ठीक है बिना ग्राफ बनाए भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, ये सब मैंने अपने वीडियो लेक्चर में समझाया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यही ट्रिक जो जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ यही ट्रिक है जो कि मैंने आपको स्लाइड में शो कर रहा हूँ, अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये सब ये स्मॉल वीडियोस हैं। फिर बात करें दोस्तों सिंप्लेक्स मेथड की, सिंप्लेक्स मेथड से आप क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमाइजेशन, इसमें देखिए एक स्लैग वेरिएबल होता है, जिस वेरिएबल से आप इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलते हैं उसे स्लैग वेरिएबल कहते हैं, और जो वेरिएबल सबट्रैक्ट किया जाता है इनइक्वालिटी को उसे सरप्लस वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों बेसिक वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल यूनिट मैट्रिक्स बनाएगा उसे बेसिक वेरिएबल कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब आप सामने देख सकते हैं, एक एक चीज़ समझाया गया, एक एक चीज़ अच्छे तरीके से बताया गया है, सी जे आई क्या होता है, सी वी क्या होता है, क्योंकि 5 नंबर का सवाल हमारे सिंप्लेक्स मेथड से हर एक वाला आता है, ठीक है। जेड जे माइनस सी जे का कॉलम बनाते हैं हम लोग, फिर जो मॉस नेगेटिव जेड जे माइनस सी जे होता है इंट्रिंग वेरिएबल होता है, फिर मिनिमम रेशियो का कॉलम, मिनिमम रेशियो का कॉलम बनाते हैं, आउटगोइंग वेरिएबल देखते हैं, आउटगोइंग वेरिएबल वो होता है जिसमें मिनिमम वैल्यू होता है रेशियो का, उसके बाद की एलिमेंट देखते हैं जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करता है की एलिमेंट कहलाता है। उसके बाद दोस्तों की एलिमेंट के बाद बेसिक वेरिएबल क्या होता है ये सभी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारा टोटल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि और भी मॉड्यूल के लिए मैं आपको क्विक रिवीजन सेशन लाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और यदि आपको लेसन पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और भी लोगों को शेयर करें इस पर्टिकुलर वीडियो को, ताकि एवीएम मॉड्यूल को क्विकली रिवाइज कर पाएं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपने किसी भी सोर्स का यूज़ किया है एवीएम को पढ़ने, एवीएम मॉड्यूल को पढ़ने के लिए इस वीडियो को आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप चीज़ों को क्विकली रिवाइज कर पाएं, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को रिवाइज कर पाएं। और डिटेल जानकारी सीआईबी के बारे में चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।